एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर ने दुनिया भर में काफी धूम मचाई। इंडिया में भी इस फिल्म का काफी क्रेज रहा, कई रिकॉर्ड तोड़े इंडिया में ही। लेकिन इस फिल्म ने एक तरीके से देखा जाए तो दीपिका पादुकोण की जिंदगी बदल दी। जब से एवेंजर्स रिलीज हुई है तब से भारतीय फिल्म मेकर्स का ध्यान है सुपर हीरो वाली फिल्मों पर। अब ऐसी एक फिल्म बनने जा रही है जिसमें दीपिका पादुकोण बनने वाली है सुपर हीरो। जी हाँ, क्या है ये मामला दीपिका के सुपर हीरो बनने का, सब कुछ बताते हैं। नमस्कार, मैं हूँ अभिषेक, आपने लॉग इन किया है फिल्मी बीट। लंबे समय से कोई कहानी न समझ में आने के कारण दीपिका पादुकोण के पास कोई फिल्म नहीं थी, लेकिन लगता है कि दीपिका को अच्छी कहानी मिल गई। सूत्रों की माने तो दीपिका पादुकोण अगली फिल्म में सुपर वुमन बनने वाली है। काफी पटकथाओं को पढ़ने के बाद आखिर दीपिका ने फिल्म को हाँ कह दिया है, ऐसा फिलहाल सूत्र कह रहे हैं। यानी कि दीपिका वो किरदार करेंगी जिनमें सुपर शक्तियां होंगी। फिल्म को एक स्टूडियो ने हरी झंडी दे दी है और जल्द ही इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। ये बड़े बजट की फिल्म होगी जिसे दुनिया भर में धूम मचाने वाली हॉलीवुड फिल्म वंडर वुमन की तर्ज पर बनाया जा रहा है। वंडर वुमन दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है। पिछले दिनों रिलीज हुई एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और डेडपूल सीरीज की फिल्मों के भारत में धुआंधार कमाई करने के बाद बॉलीवुड में सुपर हीरो फिल्में सुर्खियों में है। बॉलीवुड का ध्यान भी अब सुपर हीरो फिल्मों की तरफ है और शायद यही कारण है कि अब दीपिका भी इस मामले में इंटरेस्टेड हैं। इसलिए बनने वाली हैं भारत की पहली महिला सुपर हीरो। बताया जा रहा है कि यह बॉलीवुड की पहली फिल्म होगी जिसमें किसी महिला को सुपर हीरो के किरदार में देखा जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का बजट 300 से 500 करोड़ तक हो सकता है या फिर इससे ज्यादा भी हो सकता है। फिल्म के मेकर्स हॉलीवुड फिल्म वंडर वुमन को ध्यान में रखकर इस फिल्म को बना रहे हैं। और जहां तक बात है इस फिल्म के रिलीज की, तो अब तक ये कहा जा रहा है कि फिल्म 2019 में रिलीज हो सकती है। अब देखते हैं कि दीपिका सुपर हीरो बनकर क्या कमाल करती हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।